जब भाई उन दुश्मनों को चुन चुन कर न मारा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। लेकिन इन बातों के साथ साथ हो जाए, आवाज बढ़ाओ, बहुत तुम्हारे फायर लग चुकी थी। माँ भवानी की कृपा से तुम्हारा जख्म बहुत जल्द से जल्द ठीक हो गया। तुम्हारे जख्म के बाद एक ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई, आए दिन अपना ग्रोह बढ़ता ही जा रहा है। क्या? हाँ ठीक है। एक लड़की जो बेहोशी की हालत में हमारे अड्डे की तरफ आ रही थी, जरा बाजू में फायर लगा था। मैं अपनी आंखों से उसका नजारा करना चाहता हूं। नजारा कराऊंगा, क्योंकि हर एक दूसरे साथी से मुलाकात करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो उसे बुला करके लाओ। अरे हमारा नाम लेते ही लबो पे या होती है, हमारा नाम लेते ही लबो पे या होती है, गुजर गोती जिस गली से तो सुनी रहा। सरदाजी जय चंबल जय काली, जय चंबल जय काली। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। ओ सुनो साथियों, और कौन से और या मेरा वही लड़की है। ये तुम्हारे फायर लगने के बाद इसके भी बाजू में फायर लगा था और ये हमारे ग्रोह गड्ढे की तरफ आ रही थी। मैंने भी इसको ये क्या तरीका है तुम दोनों का? ये मेरी जानी दुश्मन है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूं। अगर तेरे रिवॉल्वर से गोली निकलेगी तो हमारे रिवॉल्वर से फूल नहीं निकलेंगे। भारती, आज तुझे इतना मजबूर कर दूंगा, मैं तुझे नेस्ता नाबूद कर दूंगा। तूने मेरे भाई का खून किया है। क्या जानते हो कि मैं ही तेरे भाई का खून किया है? नहीं, मैंने तेरे भाई को नहीं मारा। झूठ बोलती है तू। मैं जब दफ्तर को पहुंची तो तेरे भाई के सीने में खंजर लगा था, चंद सांसें बाकी थी। हमने सोचा कि ये खंजर निकालूं ताकि शिवराज चपरासी की जान बच जाए, लेकिन खंजर निकालते ही शिवराज चपरासी की जान चली गई। तुम्हारे भाई का कातिल सोनू गुंडा है। और अरे मैंने तेरे भाई का खून नहीं किया। अजय, तू तो सुमन से बेहद प्यार करता था, लेकिन बोल तूने सुमन का खून क्यों कर दिया? सुमन का खून नहीं किया है, सुमन मेरी प्रेम का थी, मैं इसका खूनी कातिल नहीं हूँ, मैंने खून नहीं किया। क्या? हाँ। वो मेरी कोई गैर नहीं थी, मेरे पति के बहन थी। मुझे मालूम है, लेकिन भारती, डाकों के काफिले में भवानी माँ का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज माँ भवानी की सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने तुम्हारी सुमन और प्रेम का हत्यारा नहीं हूं। कसम भवानी की, उसका असली खूनी तो सोनू गुंडा है। उसका तब मेरे हाथों में टूटा है, मैं मजबूर था। जिस वक्त उसे अपने गोदी में उठाना चाहा, उसी वक्त इंस्पेक्टर पवन आ गया और मुझे शक हुआ मुझे गोली मार देगा, उसे छोड़कर फरार हो गया। अजय, हमारी तुम्हारी मंजिल एक है, हमारे तुम्हारे दुश्मन।
80 तालाब और मिटा दो उन हराम जादों को नामों निशान। एक मिनट ठहरो भारती, तुम्हें मालूम होना चाहिए आज तारीख 3 और दिन बुधवार है। आज उस मंत्री चरणदास का जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस बात की वो मुरादी वाला मुरादी कर रहा था और इस खुशी में मुन्नी बाई का वहां पे मुजरा भी होगा। मुजरा? तो तुम एक काम करो, तत्काल अपना भेष मुन्नी बाई का बना लो और मुन्नी बाई के कोठे पर जाकर हम लोग मुन्नी बाई को वहां जाने से रोक देंगे और गिन गिन करके उससे बदले चुका। और पवन की फांसी भी बच जाएगी, पवन की फांसी और उन दरिंदों से चुन चुन के बदले भी लिए जाएंगे। अगर पवन को फांसी हो गई तो मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो पवन को बचाने का मात्र एक ही तरीका है, तुम तत्काल अपना भेष मुन्नी बाई का बनाओ और वहाँ पे जाके मुद्रा करो और हम लोग तुम मदद के लिए तैयार। ठीक है सरदार जी, हम मुन्नी बाई को कोठे पे रोक लिए, ये जिम्मेदारी हमारी है। जा रही हूँ भेष बदल करके उस आराम जाते के वहाँ चलती हूँ। जय चंबा। मुन्नी बाई को गुमराह करना हमारा काम है।